रोहतास जिले के डिहरी में हुए खुलासी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के 11 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही आदित्य मल्टीकॉम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। बता दें कि सोमवार को डिहरी के NH2 पर बालू का चालान जांच करने पर बालू लीजधारी कंपनी के कर्मियों ने एक ट्रक के खलासी को गोली मार दी थी। आरोपी के ट्रक के खलासी से 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। रुपए नहीं देने पर ट्रक के खलासी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 10/11 की रात्रि में यूपी ट्रक थी, गोरखपुर के चालक थे और खलासी ट्रक में थे। वे हंटरगंज जिला चतरा से बालू लोड करके आ रहे थे। डिहरी सोनपुर पार करने के बाद आदित्य मेसर्स मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के चेकर उस गाड़ी को रोके और 10,000 रुपये की डिमांड किए। उसके बाद नहीं दिए जाने पर ट्रक का शीशा को तोड़ दिया गया, चालक के साथ मारपीट किया गया तथा जब गाड़ी भागी तो वहां से ओवरटेक करके बोलेरो गाड़ी से कूला डिपो के पास पीछा किया गया और खलासी को गोली मार दिया गया। इस संबंध में हम लोग अनुसंधान किए और साक्ष्य के आधार पर 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 बोलेरो जब्त की गई है तथा आदित्य मल्टीकॉम के कार्यालय पर भी छापामारी की गई है और वहां से 5 राइफल बरामद किया गया है। 2 लोगों की उसमें अरेस्टिंग हुई है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 4 राइफल, 1 नाली बंदूक और 41 कारतूस भी जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।